गोप्रो का जो माउंट है, चिन माउंट जो है, उसको थोड़ा, उसका जो प्लेसमेंट है उसको थोड़ा एडजस्ट किया है। भाई ये बंदा कहाँ जाएगा इसको कुछ पता नहीं है। मेरे को जाना है तो जाना है भाई, तुम अपना देख लो, पूरा टेल सेक्शन मेरा गंदा हो जाएगा क्योंकि टायर्स जो है वो काफ़ी ब्रॉड हैं और वो जब स्पिन हो रहे हैं तो वो पानी पूरा स्पिल हो के पूरा ही टेल सेक्शन कवर कर देता है। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं भाई, देख रहा है भाई, मेरा चैनल का नाम है ये वाला। सब बढ़िया सो हेलो डियर गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ। आज बहुत दिनों बाद मैं बाइक लेके निकला हूँ क्योंकि जी हाँ, आज मौसम थोड़ा साफ लग रहा है मेरे को, आसमान थोड़ा क्लियर है, सूर्यदेव दिख रहे होंगे आपको। और हालांकि सुबह में बारिश हुई है आज, बट फिर भी काफ़ी आज मौसम बेटर है पहले दिन से। रोड वोड सूख चुके हैं और बाइक मैंने PPF लास्ट ब्लॉग जो किया था वो PPF के ऊपर किया था। सो PPF मैंने करवा लिया है बाइक के ऊपर और आप देख सकते हैं काफ़ी शाइन वगैरह है। सो ये है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे लाइनिंग वगैरह, ये जो जॉइंट्स हैं ये यहाँ पे रहेंगे, दिखेंगे, और बाद बाकी बाइक अपना सेफ हो गया है, प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे हल्का फुल्का एक जगह मैं देखा था जहाँ से पील ऑफ हो रही थी, हाँ ये वाली जगह है। सो ये सब मैं फिर से एक बार जाके चेक करवाऊँगा और ठीक करवा लूँगा, अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। और वैसे बाइक आप देख सकते हो एकदम चमक रही है, मैंने PPF के करवाने के बाद कभी बाइक निकाला ही नहीं क्योंकि बारिश एंड ऑल बहुत ज़्यादा हो रहा था। सो गाड़ी भी मैंने वॉश करवा लिया है, कल है विश्वकर्मा पूजा एंड माला वगैरह भी बहुत कुछ खरीद लिया है मैंने। सो आपको कल का भी व्लॉग देखने को मिलेगा, कल पूजा वूजा का हल्का फुल्का छोटा मोटा व्लॉग बनाऊंगा मैं। अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत एक शॉर्ट स्पिन लेकर आते हैं बाहर से और आपसे मोटो व्लॉगिंग में बाइक के ऊपर बैठ के बात करते हैं। सो बाइक को करते हैं स्टार्ट, न्यूट्रल में है एंड ये हो गई अपनी बाइक स्टार्ट। क्या गजब का साउंड है ना यार, इनलाइन फोर का अलग ही मजा है। आई होप आपको आवाज आ रही होगी क्लियरली। इतने दिनों बाद बाइक लेकर निकलने का एक अलग ही मजा है और रास्ता भी मेरे को खाली दिख रहा है अभी, सो मज़ा आ रहा है। और मैंने गोप्रो का जो माउंट है, चिन माउंट जो है, उसको थोड़ा, उसका जो प्लेसमेंट है उसको थोड़ा एडजस्ट किया है। सो एडजस्टमेंट के बाद आई होप थोड़ा फील्ड ऑफ व्यू अच्छा हो गया होगा, ऊपर का ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, नीचे का थोड़ा कम, स्पीडोमीटर तक ही आएगा, टैंक नहीं आएगा शायद, हाँ टैंक नहीं आएगा। और आई होप ये थोड़ा और ज़्यादा अच्छा दिखेगा वीडियो में, क्योंकि पहले क्या होता था कि मैं जब एक्चुअली इसका हैंडल जो है इतना लो सेट है कि वो मेरे को बहुत ज़्यादा नीचे टक करना पड़ता है, तो वो बेंड होने की वजह से एंगल थोड़ा, मुझे जहाँ तक लगता था कि थोड़ा और व्यू अच्छा हो सकता है अगर उसको ऊपर कर दिए तो इसलिए मैंने वो किया है। अपडेट से रोड वोड सूख चुका है, 1980s की एक 800 है यार, वाओ। सो रोड वोड सूख चुका है, थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि यार इसमें, इस बाइक को बारिश में लेके निकलने का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब बारिश में आप जाओगे खुद भी भीगोगे, बाइक इतनी गंदी हो जाती है कि यार कुछ रहता नहीं है। एक अलग सी स्मूथनेस है यार इस इंजन में, मतलब क्या बताऊँ, इतना हैप्पीली रेव होती है ना, इतनी पावरफुल होते हुए भी, और मतलब पावरफुल होते हुए एज इन, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन बहुत लीनियर है,
और इतना स्मूथली रेव होता है कि मतलब इंजन भी रिफाइंड है इतना पावर होने के बावजूद. सो अमेजिंग अमेजिंग इंजीनियरिंग. पहले मैं सोचता था कि ये जो बड़ी बाइक्स होती हैं इतना साउंड निकलता है, यानी कि वो हार्शनेस कुछ है इंजन में या फिर कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होगी. बट अब तो देख रहा हूँ जैसा कि लोग कहते हैं और जैसा कि एक्चुअल में होता भी है, मोर द नंबर ऑफ सिलेंडर्स मोर द स्मूथनेस वुड बी इन द इंजन. सो इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. एंड हैंडल बार पे अगर आप ग्लव्स के बिना भी चला रहे हो ना तो भी कोई स्मूथनेस कोई हार्शनेस फील नहीं होगा, वाइब्रेशन फील नहीं होगा आपको. अमेजिंग थिंग. रोड पर पॉटहोल्स काफ़ी दिख रहे हैं मेरे को. अभी थोड़ा पीछे में देखा एक जगह पे पूरा एकदम ये ब्रिज पे चढ़ने के पहले बहुत बड़े बड़े पॉटहोल्स हैं. अगर आप लोग आ रहे हो बाइक लेकर तो ये बेसिकली बागाजा सिंह वाला फ्लाईओवर है कोलकाता से हो, और अगर इस साइड में रहते हो तो आपको पता होगा इस फ्लाईओवर के चढ़ते टाइम बहुत बड़ा बड़ा पॉटहोल्स हैं. सो बी केयरफुल अबाउट इट. और उसमें अगर गया तो रिम विम तो भाई साहब टूट ही जाएगा. ये देखो कितना बड़ा पॉटहोल था. सो अभी बारिश का मौसम है, अभी धीरे धीरे इसको रिपेयर करेंगे. सो पॉटहोल्स काफ़ी हैं, देख समझ के चलना पड़ेगा. और रोड तो ये वाला पहले से ही ख़राब था, सो उसका क्या ही कह सकते हैं. अभी भी वैसा ही है और भी ख़राब हो गया है यार. इस साल जितना लंबा बारिश रहा है, रेनी सीजन जो रहा है, मुझे लगता नहीं है कि पिछले साल इतना लंबा, यानी कि सितंबर का आज ऑलमोस्ट 15-16 हो गया है. एंड इतना प्रोलॉन्ग्ड मॉनसून पिछले साल तो नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा है. बट बाकी स्टेट्स का क्या हाल है वो आप लोग बताना. और इसी की वजह से ब्लॉग्स भी नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना यार, बारिश में बाइक लेके निकल तो सकते हैं बट कब हो जाए, दो मिनट के लिए रुकता है, फिर हाफ एन आवर के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है, फिर रुकता है, फिर स्टार्ट हो जाता है. तो आपने देखा ही होगा एक दो बार मैं भीग के ही घर वापस आया हूँ. सो वो एक पंगा रहता है. सो मैंने इसीलिए मोटो ब्लॉगिंग में थोड़ा लेट हो गया है. पीपीएफ इसी बीच में मैंने पीपीएफ भी करवा लिया है, तो वो भी एक अच्छा चीज़ है. अभी क्या है कि अभी कहीं पे राइड पे शांति से सुकून से जा सकते हैं, मतलब लगेज वगैरह लेके. आपने नहीं देखा है पिछले ब्लॉग्स में तो आपको बता दूं, मेरा इससे पहले मैंने एक राइड किया हुआ है उड़ीसा का, पुरी का. तो वहाँ पे मैं जब गया था तो पीछे में टेल बैग जब लिया था तो टेल बैग का स्ट्रैप से मेरा टेल सेक्शन में जो भी है वहाँ पे स्टिकर एंड ऑल पे स्क्रैचेस आ गए थे बहुत ज़्यादा. तो उसको मैंने चेंज करवाया है. स्टिकर चेंज करवा के मैंने क्या किया है कि पीपीएफ करवा लिया है. तो अब क्या है कि वो बंजी कॉर्ड वगैरह या फिर स्ट्रैप्स जो भी हैं उनके वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब स्क्रैचेस नहीं आएंगी. सो वो एक चीज़ है, अभी शांति से सुकून से उसको टाई करके जा सकते हैं. क्योंकि इसमें यार, और मैंने एक चीज़ और पता किया था कि टेल बैग वगैरह लगा सैडल पीछे में जो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, टॉप बॉक्स वगैरह पैनियर वगैरह लगाने का कोई अरेंजमेंट कर सकता है क्या, तो उसमें भी बहुत लफड़ा है क्योंकि ये बाइक बहुत अनकॉमन है, ज़्यादा है नहीं कोलकाता में अभी तक से, तो एक ही है और एक 4R है ब्लैक वाली. सो उसमें कौन ही लगाएगा यार पीछे में टॉप बॉक्स. तो उसके लिए अलग से चैसी वगैरह बना के फ्रेम वगैरह बनवा के लगाना पड़ेगा. तो वो प्लान ड्रॉप कर दिया हूँ, दैट वॉजेंट अ गुड आइडिया. बट हाँ, अभी वो जो टेल बैग ख़रीदा है मैंने वो वाला लगा के मैं राइड पे अभी जा सकता हूँ. सो टेंशन नहीं रहेगा. बट हाँ, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि यार ब्रेक वगैरह लगाओ ना तो वो सामने आ जाता है, मतलब आपके पीठ के ऊपर आ जाता है, तो बार बार रुक के आपको वो स्ट्रैप एडजस्ट करना पड़ता है, टाइट करना पड़ता है. सो वो एक लफड़ा है, बट वो कर लेंगे, अदरवाइज़ और तो कोई ऑप्शन है नहीं. और बाइक राइड तो करना ही है, उसी के लिए ख़रीदा है, घर में शोकेस में रखने के लिए तो नहीं लिया है. सो दैट इज़ वन थिंग. अभी सोच रहा हूँ संडे को कहीं जाने का, देखता हूँ. एक दो भाइयों से बात हुआ था, गाड़ी पूरी साइड से ख़त्म हो चुकी है. सो एक दो भाइयों से बात हुआ था, वो लोग कह रहे थे कि संडे कहीं जा सकते हैं इफ़ इट डजेंट रेन.
सो देखते हैं क्या कर सकते हैं। दूर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है मुझे, काफ़ी ज़्यादा, और सामने में ये पता नहीं क्रेन भाई साहब अचानक से, वाह 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 भाई ने अचानक से एकदम राइट मोड़ लिया। मज़े हैं भाई के, वाह मस्त, कोई पंगा नहीं लगा, सबको उठा के इधर से उधर रख देगा। सो ऐसा है कुछ, आज का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, आई होप अब बारिश ना हो। वाओ पूरा रोड खाली है, आई होप कैमराज ना हो। यहाँ सामने तो है एक, बट पीछे का पता नहीं। और यार रोड पे ना जस्ट बिकॉज कंटिन्यूस दो हफ्ते से बारिश हुई है, तो उसके वजह से जहाँ तहाँ वो रोड़ी बजरी ये सब पूरा निकला हुआ है रोड पे, बहुत रिस्की होता है वो। ये भाई किधर जाएगा यार, कभी इधर आ रहा है कभी उधर आ रहा है। सो रोड़ी बजरी की वजह से ना बहुत स्किड होते हैं बाइक स्कूटीज एंड ऑल, सो ये रेनी सीजन के बाद वाला टाइम भी थोड़ा रिस्की होता है, तो समझ बूझ के चलना है। अभी वो ब्रिज के वहाँ चढ़ने टाइम एक तो फुल स्पीड में था, और फिर वहाँ पे देखा पूरा ग्रेवल ऐसे बिखरा हुआ है, मिनी लद्दाख बना हुआ है। बट हाँ उस पर कभी भी उसके ऊपर ब्रेक मत अप्लाई करना आप, अगर आप लेट हो चुके हो ऑलरेडी ब्रेक अप्लाई करने में, तो उसको ऐसे ही क्रॉस कर देना। ये वाला पोर्शन देखो पूरा गंदा है, मतलब पूरा वो ग्रेवल निकला हुआ है, स्टोन्स निकले हुए हैं, बहुत स्लिपरी होता है वो, अगर उस पर ब्रेक मारो तो ABS कुछ काम नहीं करेगा। सो ये मत सोचना कि ABS के भरोसे कहीं पर भी ब्रेक मार दें, तो यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन फर्स्ट देन यूज़ ABS। सो एक छोटा सा ज्ञान, ये कैसा ब्लू है यार, जिमीज कार पूरा ब्लू एंड ब्लैक, स्विफ्ट डिजायर, भाई ने रैप करा रखा है ब्लू कलर का, नाइस, साफ सुथरी होती तो और ज्यादा अच्छी लगी होती, बट साफ सुथरी क्या ही होगी यार, इतना बारिश हो रहा है हर दिन। बीच बीच में हल्की फुल्की ट्रैफिक मिली मुझे, अभी थोड़ा खाली रास्ता है यार। टेक्नोपोलिस के पास वाला जो स्ट्रेच है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड का कंडीशन ख़राब हो चुका है, मतलब इतना ख़राब था कि मैं GoPro ऑन करने का भी मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियाँ थीं और उसके ऊपर से इतना अंडुलेशन था कि स्किड हो रही थी टायर्स, और ये तो ऑफ रोडिंग टायर है नहीं, और गीला था वो रोड। सो मैंने रिस्क नहीं लिया, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी लग जाता है वहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक स्लो मूव होती है ना। भाई ये बंदा कहाँ जाएगा इसको कुछ पता नहीं है, चलते फिरते वायरस, ये एकदम से उधर से आया और धीरे 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 साइलेंटली राइट होता गया। कोई मतलब नहीं है भाई, पीछे से क्या आ रही है, बाइक आ रही है, गाड़ी आ रही है, मौत आ रही है, कुछ नहीं, अपना भाई फुल सेट, मेरे को जाना है तो जाना है भाई, तुम अपना देख लो। और फिर कहेंगे कि गरीब आदमी है, मार दिया मेरे को, ये कर दिया वो कर दिया, भाई सेंस तो लगा लो, गरीब हो ठीक है कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हो चला रहे हो, थोड़ा दिमाग भी लगा लो, क्योंकि इनके वजह से यार बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट ये जो टोटोज होते हैं इलेक्ट्रिक वाले, ये बड़ा मतलब मनमर्जी से चलाते हैं, अपने मन से चलाते हैं, कोई सिग्नल फॉलो नहीं करना, कोई लेन डिसिप्लिन नहीं, कुछ नहीं,
लेन डिसिप्लिन तो खैर काफ़ी बड़ी बात है, मतलब अगर आप चेंज भी कर रहे हो एक लेन से दूसरे लेन जा रहे हो तो आप देखो तो सही कम से कम कुछ आ रहा है कि नहीं। बट नहीं, यह कोई मतलब नहीं है, आप देख लो आप आ रहे हो पीछे से। वाह यार, ऐसी रोड होनी चाहिए इन बाइक्स के लिए, एकदम मक्खन स्मूथ, तब ना रॉकेट की तरह उड़ेगी। जस्ट जोकिंग, बट रॉकेट की तरह उड़ने का मतलब ये है कि यार आराम से चलेगा इंसान, मतलब कोई बॉडी पेन एक ये सब कुछ नहीं होगा, इतना स्मूथ रहेगा जब सब कुछ। और ये है अपना इको पार्क वाला एरिया। बहुत दिनों बाद आज सूर्यदेव दिखने को मिल रहे हैं इस टाइम पे, वरना हमेशा वो ग्लूमी सा वेदर रहता था, बारिश होती रहती थी ड्रिजल वाली, हालांकि अच्छा लगता था बट यार कितने दिन तक मज़ा आएगा उसमें। आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कुछ काम हो रहा है तो आपको बहुत सोचना पड़ रहा है जाने के लिए, रास्ते में कीचड़ बहुत हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, घर पे अगर बैठ के अगर चाय की चुस्की लेनी है तो फिर उसके लिए ठीक है। इस रोड में भी जहाँ तहाँ ये हो रखा है, पॉट होल्स वगैरह हो रखा है। यार ये बीच में पानी कहाँ से आ रहा है, पूरा टेल सेक्शन मेरा गंदा हो जाएगा, ये थोड़े से पानी से ही पूरा गंदा हो जाएगा, क्योंकि टायर्स जो हैं वो काफ़ी ब्रॉड हैं और वो जब स्पिन हो रहे हैं तो वो पानी पूरा स्पिल हो के पूरा ही टेल सेक्शन कवर कर देता है कीचड़ से। वाओ, यहाँ एक लाइन से काफ़ी सारी गाड़ियों के शोरूम्स हैं, डिकैथलॉन भी है, जैगुआर, पता नहीं GoPro में कितना आ रहा होगा बट हाँ ये देखो लैंड रोवर, जैगुआर, सारा कुछ है यहाँ पे। ब्रेकिंग ज़बरदस्त है बट इसमें थोड़ा स्टील ब्रेडेड अगर ब्रेक लाइंस होते ना तो बहुत ज़्यादा और भी अच्छा पंच हुआ होता, क्योंकि रबड़ होने की वजह से क्या होता है कि प्रेशर डालते ही वो एक्सपेंड हो जाता है पाइप्स और वो लाइंस जो होते हैं ब्रेक लाइंस, सो वो एक्सपेंशन को कंट्रोल करने के लिए स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइंस तो दे ही सकती थी कावासाकी इतने पैसे जो ले रहे हैं। कल विश्वकर्मा पूजा होने की वजह से काफ़ी सारे पंडाल्स वगैरह यहाँ पर लग रहे हैं और साउंड बॉक्स वगैरह भी लग चुका है भाई लोग, एकदम कल आप समझ ही सकते हो अगर आप कोलकाता से हो या फिर नॉर्थ साइड से हो जहाँ पे विश्वकर्मा पूजा होता है वहाँ रिक्शा एंड ऑटो वाले सारे भाई लोग मस्त एकदम फुल रहते हैं, एकदम लोडेड एंड नाचते रहते हैं। पता नहीं पूजा कितना ही होता है बट हाँ पार्टी तो हो जाती है ऐसा ही है एक्चुअली, सब कुछ ही बड़ा वो टाइप का हो चुका है अभी। अभी लोग मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं अपने भगवान को पूजा करने, तो पहले लोग फोटोज़ लेते हैं उसके बाद पूजा सो बहुत ज़्यादा वो है। खैर कोई नहीं, सबका अपना अपना थॉट है, बट हाँ आई थिंक भक्ति भी उतनी होनी चाहिए जितना आपको फोटोज़ एंड ऑल लोगों को दिखाने में जितना इंटरेस्ट है, तो ताकि बैलेंस रहे हर कुछ। सो विश्वकर्मा पूजा में तो बेसिकली यहाँ पे वही होता है, लोग एकदम नाचते झूमते हैं एज इफ कोई, आई नो इट्स अ सेलिब्रेशन डे बट बूज एंड ऑल करके फिर डांस करना थोड़ा अलग लगता है। खैर मैं सोच रहा हूँ एक इंस्टा 360 लूँगा और बाइक के टेल सेक्शन में उसको अच्छे से अटैच करूँगा एंड एक माइक भी लगाऊँगा ताकि
ये बाइक का एग्जॉस्ट का साउंड जो ये है ना, स्टॉक एग्जॉस्ट, उसका साउंड भी आपको अच्छे से आ सके, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं एग्जॉस्ट कब चेंज करवाओगे, एग्जॉस्ट कब चेंज करवाओगे। यार इसका स्टॉक एग्जॉस्ट का भी साउंड मेरे को काफ़ी लाउड और अच्छा लगता है, जैसे कि बेसिकली नॉर्मल इनलाइन फोर सिलेंडर बाइक्स की जैसी होती हैं वैसी ही हैं, तो मुझे वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप नॉर्मल ऐसे सुनोगे तो वो आपको काफ़ी सूदिंग लगेगा। अगर आप एग्जॉस्ट चेंज करवा के फिर आप लॉन्ग राइड वगैरह में आपको इशू होगा, आपको PUC करवाने में इशू होगा, तो वो एक लफड़ा है। सो मैं तो कहता हूँ कि मैं ऐसा ही रखूँगा अभी, जब तक से बहुत ज़्यादा बोर ना हो जाऊँ ये साउंड से, क्योंकि अभी तो इनलाइन फोर का साउंड से ही मैं बोर नहीं हुआ हूँ। सो अभी अगर एग्जॉस्ट लगवा लूँगा तो इनलाइन फोर इंजन का जो आवाज़ है वो नहीं आएगी, वो सिर्फ एग्जॉस्ट का ही फटा हुआ साउंड टाइप का आएगा। आई नो दैट इज़ ऑल्सो गुड, लोग दीवाने हैं उसके, बट why not keep it stock till the time you can and till the time you are enjoying basically. अगर stock में आपको मज़ा आ रहा है तो फिर वो फालतू में वो लगा के छेड़छाड़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये वाला रोड क्या स्मूथ है यार, ऐसा लगता है जैसे प्लेन व्लेन लैंड कर देगा यहाँ पे, कमाल का स्मूथ है। मैं इसीलिए आता हूँ इस साइड में ताकि थोड़ा अच्छा रोड मिल सके और थोड़ा एंजॉय कर सके, क्योंकि कोलकाता में ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द रोड्स आर बम्पी अंडुलेटेड, जहाँ पे एक्सेसिव सॉइल सेटलमेंट हो गया है, तो बहुत ही बेकार है। बट ये वाला स्ट्रेच काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ जाएगा। टोटल रिस्पॉन्स क्या गजब का है यार, ये ज़ीरो एमिशन वाले वो उधर से एकदम स्लाइटली इधर आते आ रही है आंटी। लुकिंग ग्लास में लोगों को देखने का हैबिट नहीं है यार, मैं देखा है ये जो दो मिरर्स होते हैं ये बहुत काम के चीज़ होते हैं, आपको इनका सही से यूज़ करना चाहिए आपके सेफ्टी के लिए और आपके आसपास के लोगों के सेफ्टी के लिए, आप अवेयर रहोगे। बट लोगों को हैबिट ही नहीं है, लोग वैसे सीखते ही नहीं है कि सारा कुछ जो दिया हुआ है। मैंने तो देखा है गाड़ियों में भी लोग लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के ORBMs क्लोज करके चलाते हैं, क्यों? ताकि वो टूट ना जाए। एंड आश्चर्य की बात यह है कि जब एक्सीडेंट होता है तो वो बहुत लंबा खर्चा बैठता है, जो कि एक लुकिंग ग्लास अगर खुला रहता तो अगर उसमें देख लिए होते तो वो बहुत सस्ते में सब कुछ हो गया होता। ये देखो भाई, जब वहाँ से जॉइनिंग है तब यहाँ से घुसने का क्या मतलब है। इस ब्रिज का हालत तो एकदम ही खत्म हो चुका है, आप देख सकते हो ऊपर वाला जो लेयर है पूरा ही खत्म, यहाँ थोड़ा फिर भी ठीक है, मतलब अप्रोच में पूरा ही मिट्टी विट्टी दिख रहा है, पता नहीं कब बनेगा, बनेगा भी या नहीं, दैट इज ऑल्सो अ थिंग। लीन में ज्यादा कर नहीं रहा हूँ क्योंकि साइड में दोनों साइड वॉल्स में टायर शाइनर लगा दिया है, तो वो अभी तक से हटा नहीं है, जिस दिन मैंने बाइक को PPF करवाया था उसी दिन से वो लगा हुआ है, अभी तक से हटा नहीं है। सो वो जब तक से नहीं हटे ज़्यादा लीन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो स्किड कर जाएगा। और इस तरीके से हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं, चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, भाई देख रहा है भाई को, थैंक्स भाई। भाई मेरा चैनल का नाम है ये वाला, सब बढ़िया। सो ऐसा है कुछ, यहाँ पे पूरा ह्यूमिड हो चुका है मौसम, बड़ा ये है, धूप वगैरह है हल्का फुल्का, इस साइड से धूप आ रहा है और बारिश का पानी वानी उधर में जमा हुआ है। सो अभी आगे चलते हैं
और मेरे सामने आप देख सकते हैं भगवान विश्वकर्मा का मूर्ति जा रहा है। कल है पूजा और ट्रैफिक बढ़ता हुआ धीरे धीरे। यहाँ बंगाल में मूर्तियाँ बनाने का बहुत ज़्यादा कल्चर है। यहाँ पे मतलब दुर्गा पूजा के वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूर्तिकार मिलेंगे आपको। मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस चीज़ का चलन है, विच इज़ गुड। हर तरीके की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ है यहाँ के जितने भी मूर्ति बनाने वाले लोग हैं। कितने भाइयों को याद है मित्सुबिशी सीडिया, ये देखो यार कमाल की गाड़ी थी यार, ये कमाल की गाड़ी थी। लैंसर तो पता ही होगा, लैंसर आती थी और ये सीडिया आती थी। नहीं तो कम से कम ये गाड़ी जो थी ये 15 साल पुरानी होगी, 15 साल पुरानी। इंटीरियर्स तो एकदम काफ़ी अच्छे थे, बाहर का थोड़ा कंडीशन ख़राब था, बट ज़बरदस्त गाड़ी है, ज़बरदस्त। अब ऐसी गाड़ी अब मिलती ही कहाँ है यार। अब उस टाइम के एमिशन नॉर्म्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और एकदम पावर भी बहुत रॉ रहता था। अभी तो एमिशन नॉर्म्स के वजह से पावर वावर का पूरा एकदम ये हो चुका है, बैंड बज चुका है। अब सिर्फ एमिशन पे ही ध्यान देते हैं, और वो भी एमिशन पे किस पे, जो कमर्शियल सॉरी जो प्राइवेट व्हीकल्स है यानी कि छोटी गाड़ियाँ हैं ऑल, इन सब पे। ट्रक्स वगैरह का एमिशन का कोई इनको वो परवाह नहीं है कि बड़ी बड़ी ट्रक्स जो भी हैं, सारी ट्रक्स तो बेसिकली आपका इस पे ही चलता है ना, डीजल पे ही चलता है। तो पहले वहाँ से शुरू करते हैं ना, बट नहीं, छोटी गाड़ियों को इन्हें पहले बंद करना है, छोटी डीजल गाड़ियों को पेट्रोल पे लाना है। और ये नहीं कि पेट्रोल का दाम घटा दें, कुछ कर दें, कुछ डिस्काउंट दे दें, टैक्स कम कर दें, वो नहीं, टैक्स पे करके ये हालत है रोड का। इसी के लिए हमें टैक्स हमसे लिया जाता है, इतना इतना मोटा मोटा टैक्स। पहले तो भाई सैलरी टैक्स काट के देंगे तुमको, फिर उसके बाद कुछ भी खरीदने जाओ उस पर अलग टैक्स, फिर उसको चलाने के लिए तेल भरवाओ उस पर अलग टैक्स। लूट मची है भाई साहब, लूट मची है। और कंडीशन देखो रोड के, ट्रैफिक के, क्राइम के, कहाँ जा रहा है इतना पैसा। मैं तो कहता हूँ सब कुछ छोड़ दो भाई, पॉलिटिशियन बन जाओ और लूट लूट के पैसे घर भर लो, ताकि पैसे काउंट करने वाला मशीन भी थक जाए, कम पड़ जाए, क्योंकि हो तो ऐसा ही रहा है ना आजकल। बट एनीवेज, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का करूँ। सोच रहा हूँ झारखंड का कहीं जा सकते हैं, नेतरहाट वगैरह जा सकते हैं। आप लोग भी कुछ कमेंट बॉक्स में सजेशन दो नेक्स्ट ट्रिप कहाँ कर सकते हैं। आप लोग कहाँ से हो वो कमेंट्स में बताओ, ताकि आपके स्टेट का भी कुछ कवर कर सके, घूमने आ सके। वरना यार ये सिटी में 30-40 पे चला के तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा तो मैं स्कूटी खरीद लूँ। सा तेज भाग लो तो रोड पूरा ऐसे अंडुलेशंस हो जाता है, बाइक कहीं और रहेगी, आप कहीं और रहोगे। कमाल का रोड है यार, कमाल का रोड है। मतलब लगता, मतलब महंगी बाइक ले लो, पावरफुल बाइक ले लो, बट चलाना आपको वही स्पीड पे। इतने रोड्स बन रहे हैं, इतने नए नए ट्रेन्स आ रहे हैं, बट जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है, एग्जिस्टिंग रोड है, उनका कोई मरम्मत का कुछ किसी का जिम्मेवारी नहीं है। नया रोड बनवा लो और क्रेडिट ले लो।
और जो एग्जिस्टिंग है उसको वो जैसे था वैसा ही है, उससे भी बदतर हालत हो रही है यार। जब नया नया सब कुछ बन रहा है तो जो पुराने हैं उनको भी तो आपको ठीक करना पड़ेगा ना, फिर क्या फायदा नया बना के। सो गाइस, मैं पहुंचने वाला हूं अपने घर को ऑलमोस्ट। एंड आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे फिर हम मिलेंगे किसी ऐसे ही नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राइड हार्ड, राइड सेफ एंड भारत माता की जय। दिखा ले पिक कर तू ओ ओ टीरी, तेरे स्माइल पे पड़ जाए सीटी।